नमस्कार, राम राम। 30 अक्टूबर 2023, इंतजार था इस दिन का, क्योंकि अंत होना था गुरु चंडाल योग का और हो गया। आखिरकार राहुदेव और गुरुदेव अलग अलग हो गए हैं और इस सब का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सभी 12 लग्न वालों के लिए, सभी राशि वालों के लिए स्वागत करते हैं आकाश जी का कैलगरी कैनेडा से और जानते हैं। नमस्कार आकाश जी। तो यही वो दिन था जिसके लिए सारे बेसब्री से वेट कर रहे थे कि गुरुदेव और राहुदेव का दोनों सेपरेशन हो और गुरु चंडाल योग खत्म हो। देखिए, गुरुदेव बाय बाय कर दे, राहुदेव भी बोलेगी थैंक यू भाई जाओ अभी, पर राहुदेव जा भी रहे गुरुदेव के घर पे। बट बृहस्पति का एक रोल है, वो रोल ये है कि रोहित जी जैसे ही वो गुरु चंडाल योग बनता है, उनका सारा एनर्जी जो है वो सिर्फ उस दोस्त पर चले जाता है या उस बंदे पर चला जाता है जो उसके घर में तहलका मचाने आया है या उसके साथ रहकर भी इशू देने आया है। एंड जुपिटर का जो नेचर है वो बेनिफिक नेचर है, यानी वो हमेशा सबका अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन वो सारी एनर्जी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में आ गया एक शैतान, कोई दोस्त जो बहुत ज्यादा, जिस पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते, तो आपका पूरा टाइम जो विजिलेंस है वो सीधा उसके ऊपर ही रहेगा। ना आपके घर में काम चल रहा है उस पर ध्यान दोगे, ना आपके घर में कोई दूसरा काम हो रहा है उस पर ध्यान दोगे, आप सिर्फ उस दोस्त पर ध्यान दोगे कि कोई पंगा ना ले ले। बस बृहस्पति देव वही कर रहे थे और अब वो जिस घर में बैठे हैं वो घर के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। मतलब इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से यूं भी समझ सकते हैं कि एक गुरु अपनी क्लास में बैठा है, यानी टीचर, और एक बेहद अति शरारती बच्चा है। मतलब उस एक बच्चे को काबू करने के चक्कर में ना तो वो पढ़ा पाएंगे ना बाकी बच्चों पे ध्यान, सारी एनर्जी उसी पे चली जाएगी। Exactly. तो वही हो रही थी, इसलिए गुरुदेव, कितने लोग कह रहे थे गुरु आ गए मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, तो अब वो रिजल्ट देना शुरू करेंगे। पर यहाँ पर डिस्क्लेमर ये भी है कि अभी गुरुदेव वक्री है, यानी अभी वो रेट्रोगेट मोशन में है, क्योंकि वो राहु को पूरी तरह से बाय बोलने गए हैं। 31st of December से वो हो जाएंगे मार्गी, तो यानी 1 जनवरी से शनिदेव के साल के अंदर वो मार्गी हो जाएंगे और हमें एक बेनिफिट देना शुरू करेंगे। सही बात, नए साल का आगाज। ठीक है, तो ये जी एंड ऑफ द वीडियो में एक यंत्र के बारे में भी बात करेंगे कि यंत्र जो अगर धन के लिए सबसे बड़ी जो चिंता है आज की तारीख में वो है धन, और एक बार धन हो, एक बार पेट भरा हो, तो उसके बाद आदमी दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान दे सकता है। और इस युग में हम रहते हैं यहाँ पर धन की बहुत आवश्यकता है। प्रॉब्लम ये है सबको बहुत एक्सेसिव चाहिए और वो एक्सेसिव लेने के लिए आपको एक्सेसिव एनर्जी भी इन्वोक करनी पड़ती है, तो उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेष की। अब देखिए, यहाँ पर जुपिटर देवता की फ्रीडम हो गई है आपके लगन के अंदर। लगन के अंदर राहु देव का रहना, यानी आपके ब्रेन को, आपके माइंड को कंट्रोल करना इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। और जब माइंड को आपको कंट्रोल राहुदेव करने लग जाए तो आप इल्यूजन यानी भ्रम में पड़ जाते हैं, तो बहुत सारे भ्रम आपके अब टूटेंगे क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर अकेले पहले घर में बैठ गए, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और आपको एक अपने अंतरात्मा को समझने के लिए एक कहते हैं ना, एक रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी लीडरशिप, अगर आप लीडर है, अगर आप लीडर बेसिकली लीडर नहीं भी है तो क्या हुआ, आपके अंदर की वो क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज बाहर आएगी। एक और जी, यहाँ पर बृहस्पति देव की 3-3 दृष्टियां होती है और वो तीनों दृष्टियां, इनको 2 स्पेशल दृष्टि दी गई है और बाकी सब ग्रहों की तरह एक इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो है ही है। बृहस्पति देव की ये तीनों दृष्टियों में सबसे पहली दृष्टि जाती है आपके 5वें घर पर, यानी आपकी लक्ष्मी माता के स्थान पर। यहाँ पर लक्ष्मी माता का बोलते ना एक्सपेंशन, जुपिटर बृहस्पति देव जहां पर भी देखते हैं वहां पर ग्रोथ देते हैं, बरकत देते हैं, तो पैसों में बरकत, एजुकेशन में बरकत, साथ साथ में अगर आप बच्चा प्लान कर रहे थे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आएगी, आपके लिए बरकत। जो दूसरी दृष्टि है वो आपके 7वें घर पे जा रही है, जो 7वां घर हो गया आपके पार्टनरशिप का घर, आपकी वाइफ का, आपके हस्बैंड का, आपके बिजनेस पार्टनर का। इस सब चीजों में भी आप देख सकते हैं कि आप एक नई तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और आपके भाग्य स्थान पे जो दृष्टि जा रही है तीसरी, है ना, वो आपको आपके लक को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल करेगी। जो अभी फिलहाल देखिए ना, जैसे हम बात कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में कि बृहस्पति देव सिर्फ और सिर्फ राहु को कंट्रोल करने में लगे थे, अब राहु देव जब
यहाँ से आगे निकल के वो बृहस्पति देव के घर पे चले गए। तो एक और चीज मैं कल के वीडियो में भी बता रहा था, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया कि राहुदेव जिस भी घर में जाते हैं ओवर स्मार्ट प्लैनेट बन जाते हैं, वही अब वो ओवर स्मार्ट जुपिटर बन जाएंगे। मतलब वो आपको एक्स्ट्रा अध्यात्म एक्स्ट्रा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे, आपको एकदम फैनेटिक बना देंगे। सो थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि वो भ्रम में डाल देते हैं आपको। पर बृहस्पति देव यहाँ पर मेष लगन वालों के लिए एक जबरदस्त योग बनाकर इनके दोनों त्रिकोणों में और केंद्र में बैठ के केंद्र में दृष्टि डाल के ये एक तरह का राजयोगी बनता है जिसमें आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज से 2 दिन बाद जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके बस 3 या 4 दिन के अंदर शनिदेव जो आपके लाभ स्थान में बैठे वो भी वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए एक डबल धमाका डबल बेनिफिट लेके आएंगे इस समय पे सारे हमारे प्यारे प्लैनेट्स। सो होपफुली आपका लक चमके, आपकी किस्मत चमके, यही हमारी बहुत आपसे हमारी मनोकामना, हमारी दुआ है ईश्वर से। बाकी तो फिर आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। 7-fold एनालिसिस की बात करता हूँ, दशा अंतरदशा प्राति अंतरदशा, बाद में कंजंक्शन, बाद में दृष्टि, बाद में कौन कैसी अवस्था में आपके चार्ट के अंदर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद ही नक्षत्र, बहुत सारी चीजों के बाद आपका प्रॉपर कुंडली विश्लेषण होता है कि हाँ भाई इसका ये तरीके से रिजल्ट मिलेगा। ये एक जेनेरिक है, इसमें से आप समझ लीजिए 50% तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, 50% तो आपकी दशांत दशा। वृषभ लगन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 12वें घर में आ जाएंगे, 12वें घर में से निकल जाएंगे राहुदेव और चले जाएंगे आपके 11वें घर में। तो बृहस्पति देव आपके 12वें घर में बनाएंगे विपरीत राज्यों को और ये बना ही रहे हैं, इसलिए देखिए उनके सर पे क्राउन आ गया है, वो राजा है भाई यहाँ पर अभी इस समय पे, क्योंकि वो 8th हाउस के मालिक है और 12वें घर में उन्होंने आकर अपनी जगह ली है इस समय पे। ये टाइम जो है ना ये आप रियलिटी में स्पिरिचुअली और कॉन्शियसली आगे बढ़ोगे, आपके अंदर एक तरीके की अपने आप एक भावना जागृत होगी कि कैसे मैं अच्छा करूं दूसरों के लिए, कैसे मेरे प्रेजेंस की वजह से दूसरे लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके, या आप अपने एनिमीज को भी माफ कर दोगे, आपके अगर दुश्मन है ना छुपे हुए उनको भी माफ कर दो। 12वां घर वो घर है जहां पर हम बात करते हैं जेल की, हॉस्पिटल की, है ना, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का वो घर है जहां से आपको मोक्ष भी मिलता है, जहां से आपको अंतरात्मा से आपकी कहते हैं ना वो एक आवाज भी आती, आप अपने आप से एक बन सकते हो, लाइक एक स्पिरिचुअल एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हो। और बृहस्पति देव यहाँ पर बहुत वो प्रॉमिस करते हैं, जिस जो भी स्पिरिचुअली एक्टिव हो गया उसको पैसे की तकलीफ कभी नहीं आएगी क्योंकि वो समझ जाएगा पैसे का असली मूल्य। यहाँ पर आप योगा मेडिटेशन वगैरह के अंदर भाग ले और ले भी रहे होंगे इस समय पे और आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं उससे ज्यादा वो अच्छे काम कहाँ करते हैं, जहां पर उनकी दृष्टि आ जाती है। और लास्ट टाइम बिकॉज राहुदेव यहाँ थे वो अपनी दृष्टियों की पूरी होता ना, वो पहले एक बंदे को संभाले कि अपनी दृष्टियों को संभाले, तो वो अपने राहुदेव को संभालने में लगे थे, लेकिन उनकी दृष्टियां काफी एक्टिव हो जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगी। पहली दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके 4थे घर पर, 4था घर आपका हो गया माता का घर, आपके वाहन का घर, आपकी भूमि का घर, है ना। इसको और भी अगर हम डिटेल में जाए तो ये ग्रैंड मदर का घर हो गया, 10th से 7th है ये, तो एक हिसाब से आपके मान सम्मान, आपके कहते हैं ना पार्टनरशिप्स, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात करें वो भी एक घर इसको देखा जाएगा। बृहस्पति देव का यहाँ पर देखना 2 और 3 अच्छी चीज दिखा देता है। नंबर 1 आपके घर में कंस्ट्रक्शन होना है इस समय पे, आपके रियल एस्टेट की कोई काम चलनी है, आपको वाहन लेना है, ये 3 चीज आपका करना है क्योंकि बृहस्पति देव 12वें घर में है, तो आपको फॉरेन यात्रा के भी बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं। अगर आप फॉरेन में है ऑलरेडी तो आपकी वहां पर बहुत ग्रोथ होने वाली है इस समय। 6वें घर के हेल्थ देख के हेल्थ को बहुत अच्छा वो आपको अपनी सातवीं दृष्टि से आपके और आपके हेल्थ के बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना देंगे कि चलो यार आज से मैं इस तरह के रूटीन फॉलो करूंगा और इस तरह की मेरी हेल्थ होगी। वर्क प्लेस पे आपको ग्रोथ मिलनी है, साथ साथ में आप अगर नई जॉब ढूंढ रहे तो ऑल द बेस्ट, आपको इस समय पे जॉब मिलनी है। और दूसरी बात यह है कि 6वें घर है लिटिगेशन और लोन्स का घर, अगर आपके पास लोन है तो आपको भरने की उसकी हिम्मत आ जाएगी।
और साथ साथ में अगर आप लोन लेना चाहते हैं या कोई डेट लेना चाहते हैं, घर लेने के लिए लोन तो लेना होगा राइट, तो आपके लिए वो एक अच्छा समय है कि आप वो लोन भी ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो तीसरी दृष्टि है बृहस्पति की, वो आपके आठवें घर पर आ रही है। ये आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी इनहेरिटेंस, यानी अगर आपकी कोई जमीन जायदाद की कोई बात चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, इसके अंदर से लेके ये सब आपके लिए अच्छा न्यूज लेके आने वाली है। अगर आप भाई बहन चाचा ताई ये सबसे लिटिगेशन में लड़ रहे हो, तो आपके लिए विपरीत राजयोग बना के बैठा है बृहस्पति देव, तो आपके लिए इधर जीत निश्चित मानी जाएगी। उसके अलावा हायर नॉलेज, ये भी एक चीज है, हायर नॉलेज। एंड सेकेंडली स्पिरिचुअली आपका बहुत अच्छा समय है। याद रखना, पैसे से बड़ा स्पिरिचुअली होता है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा गई उसके लिए पैसा क्या चीज है। सो ये चीज आप ध्यान रखना, और आपके लिए ये राहु देव का जाना और बृहस्पति देव का इस तरह से आना आपके लिए बहुत अच्छा, बोलते ना, बहुत अच्छा टाइम लेकर आ रहा है। रोहित जी, जी अच्छा टाइम लेकर आ रहा है, और हम चाहते हैं कि वो जो हम कह रहे हैं ना कि गुरुदेव साल के अंत में हो जाएंगे मार्गी और जबरदस्त साल की शुरुआत होगी, तो उस साल की शुरुआत आप भी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। आकाश जी ने नया पैकेज इनकी टीम ने लॉन्च किया है, ईयरली कंसल्टेशन, यानी कि 2024 में आपके साथ क्या क्या होना है उसके विषय में पहले से डिस्कस कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसको पाने के लिए आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल भेजें और आकाश जी के साथ आपको वीडियो कंसल्टेशन। जी रोहित जी, बात ये कि बहुत ओवरबुक्ड हो गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा वही सब के लिए। हाँ, वो क्योंकि हमने पैकेज लॉन्च किया था इस महीने के शुरुआत में और कंसल्टेशन बहुत ओवरबुक्ड है, मतलब मैं सबको अभी नवंबर एंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, जेमिनी रोहित जी, बृहस्पति देव देखिए 11वें घर में। अब 11वां घर क्या घर माना जाएगा? आपके एक्सपेंशन, यानी आपके सोशल, आपकी मनोकामनाओं का घर। अगर आपकी मनोकामना पूरी होगी तो मतलब गेन्स होगा आपको, है ना, और साथ साथ में आपका सोशल सर्कल भी एक्सपैंड होगा तो आपको गेन्स होगा। सो ये जो घर है ना, ये इंपॉर्टेंट घर कम्युनिकेशन का भी घर माना जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस से ये नाइन्थ है। गिनते आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड हाउस से नाइन्थ घर है ये। मतलब कम्युनिकेशन से जो किस्मत आपकी चमकेगी कि नहीं चमकेगी, वो सिर्फ और सिर्फ 11वें घर से देखा जा सकता है आपका। इसीलिए इसको सोशल सर्कल्स का नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि थर्ड से नाइन्थ है। ये पीरियड आपको एनकरेज करेगा कि आप अपनी तरह के लोगों के साथ, माइंडसेट के लोगों के साथ मिले। राहु देव का देखिए यहाँ सर जाके आपके 10वें घर पे बैठना एक आपके लिए ब्लेसिंग ही है, क्योंकि राहु देव जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। याद रखना ये बात, 10वें घर में राहु देव अपने स्टेटस पे लड़ते कि भाई मैं हूं कौन, मैं हूं सब कुछ, मैं बनूंगा हीरो, मैं बनूंगा नेता। तो इस तरह से राहुदेव अपना स्टेटस बनाते हैं। लेकिन बृहस्पति देव या 11वें घर में राहुदेव को सिर्फ कंट्रोल ही करने में लगे थे कि भाई कोई पंगे ना ले लेना, कोई सोशली अपना नाम ना खराब कर लेना, कोई अपनी नई पंगे में ना पड़ जाना। ये चक्कर में बृहस्पति देव टोटल कंट्रोल करते, अब इनका कंट्रोल हट गया और इनकी तीनों दृष्टियां एक्टिव हो गई। बृहस्पति देव जहां बैठते वहां तो एक्सपेंशन देंगे आपको, देंगे बड़े बड़े आपके मनोकामना पर, आपके गोल्स टारगेट पूरे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में जो तीसरे घर में वो आपकी दृष्टि डालते हैं, वहां पर आपकी हिम्मत भी उतनी बढ़ जाएगी, आप बड़े रिस्क ले सकते हैं। स्टार्टअप्स, अगर मैं लिख के दे सकता हूँ कि जेमिनी वाले ये टाइम पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप करेंगे नेक्स्ट ईयर में, अगर आप देखेंगे रोहित जी, जेमिनी वाले स्टार्टअप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनके इनके देखो ना, इनकी पार्टनरशिप वाली दृष्टि में, सेवेंथ जो नाइन्थ दृष्टि है पार्टनरशिप में, इनको कृपा मिल रही है। इनकी जो दूसरी दृष्टि है इनके 5वें घर पे पार्टनरशिप, ये क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स के ऊपर, वेरी गुड, वहां पर इनको दृष्टि मिल रही है। तीसरी दृष्टि कम्युनिकेशन पे, तो तीनों तीनों जगह पर इनको देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स अगर कोई नेक्स्ट ईयर में करेगा मई के पहले, मैं बताता हूँ कभी, हाँ फर्स्ट मई के पहले, तो वो होंगे सिर्फ और सिर्फ जेमिनी वाले। इनके लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चे, अगर आप संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वेरी गुड समय। अगर आप पार्टनरशिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वेरी गुड समय। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, वेरी गुड समय। आपके लिए ये एक बोलते ना कि आपकी पांचों उंगली घी में और सर कड़ाई में, इस तरह का सिचुएशन आपका बन। सब प्लैनेट आपके ठीक है,
सैटर्न आपका 9th हाउस में बैठ के मार्गी हो जाएगा, वेरी गुड, आप आपके भाग्य स्थान का मालिक है, मार्गी हो गया, वो आप अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर बृहस्पति और तीसरी दृष्टि वो नीच की जो 11वें घर पे डाल रहा है, वहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं, वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आपके लिए बोलते ना कि राहु आपके 10वें घर में आ जाएगा, खाली आपके एक छोटा सा जो छोटा सा केयर रखना है वो है 4th हाउस का, क्योंकि केतु यहाँ पर आपको डिटैचमेंट देता है, आपको अपने घर से अलग कर देता है या आपको आइसोलेशन कर देता है, घर के अंदर ही आपको बसा लेता है, ये कर देता है, पकड़ लेता है। तो आपको वो चीज का ध्यान देना होगा। उसके अलावा जेमिनी वालों के लिए तो ये बोलते ना पांचों उंगली घी में सर कढ़ाई में, तो ये कर रहे हो भाई आप, बहुत पैसा बनाने वाले हो, सब कुछ अच्छा होगा आपका, लाइक जितने भी लोग जहर उगल रहे उनसे दूर रहो, आपके सामने है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कि कोई प्लैनेट आप, इसलिए मैं ये मैप सा बनाता हूँ छोटा सा कि प्लैनेट किधर बैठा है, क्या दृष्टि डाल रहा है, कौन सा प्लैनेट कहाँ है, तो आपके आपको खुद अपने बारे में कॉन्फिडेंस आए भाई, दूसरे लोग बोलना मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा आप क्या कर लोगे, है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि 5वें घर का जो 5वें घर का चिल्ड्रन, 7वें घर का पार्टनरशिप, ये शादी और बच्चे के लिए बहुत अच्छा योग है। तो अगर आप डिले कर रहे हो तो डिले ना करें, राइट एज में तो आप ट्राई करके आप अपनी संतान का भी सुख पा ले, ताकि आगे चल के देखिए बृहस्पति देव 12वें घर में आ जाएंगे, 12वें घर में आकर वो एक्सपेंशन करते हैं, राइट, तो उसका मतलब लॉसेस में भी एक्सपेंड करेंगे, वो आपके लिए बहुत खर्चा करवाएंगे, तो खर्चा अच्छी चीज के लिए हो जाए तो ठीक है ना। खर्चा आप कहते हैं ना कि कभी कभी उपाय दिया जाता है 12वें घर के लिए, 12वां घर जेल और हॉस्पिटल का घर है रोहित जी, अगर किसी की हॉस्पिटल की दशा आ रही होती तो हम कहते हैं कि जाओ हॉस्पिटल का पानी लेके आओ और अपने घर में रख लो और उसको पियो, तो आपकी दशा टल जाएगी। तो इसी तरह से अगर आपका बृहस्पति जाने ही वाला है थोड़े दिनों में 12वें घर में, तो आपको ध्यान देना है ना कि 12वें घर में जाकर वो खर्चा करवाएंगे, तो क्यों ना हम अपने खर्चे का साधन खुद ही बना लेंगे, हाँ चल बच्चा हो गया खर्चा होने वाला, अच्छी चीजों में खर्चा करें, ठीक है। तो बृहस्पति देव आपके लिए सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद लेकर आए। कर्क लगन वालों के लिए देखेंगे तो 10वें घर में बृहस्पति देव राहु के साथ पीड़ित, राहु यहां से निकलकर अब चले गए आपके 9th हाउस में, तो आपके भाग्य को चलाने वाला कौन है, राहु, और राहु जब किसी का भाग्य चलाता है तो बंदा पार लग जाता है, सच्ची कह रहा हूँ, राहु से सब लोग डर के, सब ने डराया राहु ये कर देगा, भाई तुम्हारे जेब में जो पैसा है ना कैश, तुम्हारे पास पर जो ब्लिंग्स है ना सोना चांदी, ये सब कौन, राहु, हाँ इसके कारक सब अलग होंगे पर मटेरियल वेल्थ का कारक सिर्फ राहु और राहु है। सो भाई जिसने राहु को समझ लिया, जिसने राहु के प्रॉपर उपाय कर लिए, उसके लाइफ में कोई और चीज का डर नहीं है, ये याद रखना भाई। यहाँ पर करियर वाले घर के अंदर बृहस्पति देव और राहु थे, राहु और बृहस्पति देव आपस में यू नो देव, इनकी एनर्जी, इसलिए कहा जाता है गुरु चंडाल योग, दोष नहीं कहा जाता, राइट। अगर दोष कब कहा जाता है, जब ये बन जाए बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाए, यानी आपके लगन में बैठ जाए और राहु वहां पर आ जाए, तो दोष बन गया ये, क्योंकि उसने क्या किया, एग्जॉल्टेड प्लैनेट को वीक कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर तो वो मेष लगन में है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मेष राशि में थे, कोई टेंशन नहीं, कोई उन्होंने वो पीड़ित नहीं थे ज्यादा, हाँ उनको थोड़ा सा तकलीफ ये था कि भाई एक शरारती बच्चे को उनको कंट्रोल करना था, तो उनकी सारी दृष्टियां इनएक्टिव थी और वो लगे हुए थे, भाई तू भी शांत रह, तू भी पंगा ना ले, पर ठीक है राहु देव को जो करना था वो उन्होंने कर दिया, आपकी जॉब चले गई होगी, आपको प्रॉब्लम आई रहेगी आपके वर्क प्लेस। अच्छा यही राहु देव जब आए होंगे तब आपको उन्होंने एकदम ऊपर लेके गए होंगे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, जॉब में स्टेटस ही स्टेटस, ट्रैवल ये सब करवाया, लेकिन जब भी राहु देव यहां से निकल के आगे जाते हैं दूसरे, अभी वो भाग्य आपका चमकाएंगे, देखना जबरदस्त चमकाएंगे, अभी उन्होंने करियर में भी आपको वापस लेके आ जाना है, सब कुछ अच्छा होगा, ये राहुदेव का खेल है भाई, राहुदेव आते वक्त अच्छा देते हैं, जाते वक्त थोड़ा सा इशू करके जाते हैं। यहाँ पर 10वें घर में बृहस्पति देव का अकेले अब बैठकर पावर में रहना, देखिए वैसे तो वो वक्री है अभी और मार्गी हो जाएंगे वो 31st ऑफ दिसंबर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर से वो अच्छे रिजल्ट देना आपको बोलेंगे ना शुरू कर देंगे। अप्रैल से सोचो पीड़ित थे वो, अप्रैल से लगे हुए थे, अब वो शांति में दो सांस लेंगे, बोलेंगे भाई फाइनली चलो भाई अभी क्या क्या काम बाकी करते हैं फटाफट। तो जो भी काम आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, 4th हाउस से रिलेटेड, जो कहते हैं आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, आपके फॉरेन जाने से रिलेटेड, आपके सेटलमेंट से रिलेटेड, आपके घर खरीदने से रिलेटेड, और साथ साथ में आपके 9th आपके 6th हाउस से रिलेटेड, जो उनकी तीसरी दृष्टि जा रही है, यानी आपकी किस्मत, आपकी जॉब, आपकी वर्क प्लेस, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर किस्मत चलने शुरू हो जाएगी, आपकी वर्क प्लेस पे जो लोग जॉब में नहीं थे वो लोग को जॉब मिल जाएगी अभी इस समय,
कैंसर वाले को तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग को जॉब है उन लोगों को नए ऑफर आएंगे भाई, क्या आके ज्वाइन कर लो, पर ध्यान देना 7:30 के समय पे जॉब चेंज नहीं करते। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे ऑफर आएंगे, बोलेंगे वाह यार ये तो कर लेना चाहिए, लेकिन 7:30 के समय पे ये सब एक इल्यूजन भ्रम है। आपके अष्टम में शनिदेव इस समय पे बैठे हैं, वो भी अब मार्गी हो जाएंगे, सो आपके लिए वो भी एक अच्छी गुड न्यूज है। साथ साथ में राहुदेव 9th हाउस में आ गए, आपको धर्म कर्म के लिए लंबी यात्रा पे लेके जाएंगे। केतुदेव 3रे घर में आ गए, आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। केतुदेव यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्करेजमेंट देते हैं, थोड़ा सा आपको आपका मन बोलते ना कि आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके लिए तो एक मतलब जबरदस्त मस्त पीरियड है। कैंसर एसेंडेंट वाले लोग ये टाइम पे अगर आप कहते हैं ना कि कचरे को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगा, वैसी वाली कहानी है, क्योंकि आपकी दृष्टियां बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। एक तो दूसरे घर पे है मारक घर पे, एक दुष्टाना पे है, सो सोचो दोनों मारक और दुष्टाना आपका कंट्रोल में भाई, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहां पे आपको बचा लेंगे। और तीसरी दृष्टि केंद्र में बैठ के केंद्र में है, आप देखिए आपके लिए कितना अच्छा योग बन रहा है। सो ऑल द बेस्ट, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स फॉर कैंसर असेंडेंट। रोहित जी एक यंत्र बनाने की टेक्निक बताने वाला हूँ मैं एंड में, तो बने रहे उस बारे में। जी रोहित जी, जी सही कहा आपने, जैसे जैसे इस साल का अंत हो रहा है अच्छी चीजें हो रही हैं, ग्रह मार्गी हो रहे हैं, गुरु चंडाल खत्म हो रहा है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए 2024, यानी कि अगर आप 2024 में प्लान कर रहे हैं पीआर का, किसी एडमिशन का, शादी का, किसी बिजनेस का, सभी चीजें प्लान करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग के लिए आप आकाश जी के साथ कंसल्टेशन पा सकते हैं। ईयरली पैकेज का हमने अनाउंसमेंट किया है और आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया गया है, और उसके बाद वीडियो कंसल्टेशन के जरिए आप आकाश जी से अपना 2024 जान पाएंगे कैसा रहने वाला है। जी रोहित जी, अब मूव करते हैं लियो पे। अब बृहस्पति देव आपके 9th हाउस में अप्रैल में आ गए थे, यहाँ पर राहु के साथ थे, राहु देव यहाँ पर आपको 8th हाउस में जाने की तैयारी में था और 8th हाउस में आज पहुंच गए। 8th हाउस में पहुंच के उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, आपको चेंजेस दे दिया, आपकी लाइफ में एक अलग सी चेंज आ गई होगी, स्पिरिचुअली आपकी एक लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव आ गया होगा। पर कहते हैं ना कि भाग्य आपका जो चमकना, रियल चमकना था, वो अब चमकेगा। काफी अच्छी फिलोसॉफिकल ग्रोथ, ट्रैवल, आप ये कर सकते कि आप ना एक हायर लर्निंग, आपको एक रियल लाइफ की लर्निंग मिल जाएगी। आप अपने अंदर जाकर इस समय पे बृहस्पति देव जहां पर बैठते हैं ना, ये स्पिरिचुअली 9th हाउस ना धर्म का घर है, ये धर्म के मामले में आपको बहुत ऊपर ले आएंगे, एक्सट्रीमली। आप बोलोगे कि क्या हो गया अचानक मेरे साथ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा, तो ये वो आपके लिए काम करने वाले। साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो इनकी 3 दृष्टियां हैं, तो दृष्टियां इतनी एक्टिव नहीं थी क्योंकि ये राहु को कंट्रोल करने, शरारती बच्चे को कंट्रोल करने में टीचर लगा हुआ था, बस उस चक्कर में क्लास के दूसरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है ना। अब वो काफी ध्यान देंगे सबसे पहले आपके लगन पर, नहीं आपके एसेंडेंट, आपके अपने ऊपर। आप एक अलग तरीके का एक स्पार्क लेकर बाहर निकलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि आप बोलोगे वाह यार ये मतलब कोई कहानी बनी। गेंस, सडन गेंस, आपकी किस्मत के थ्रू आपको इतने गेंस मिलने हैं इस मई तक कि आपको हम कुछ बता नहीं सकते, वो तो टाइम ही बताएगा। किस्मत अचानक से आप बोलेंगे अरे ये भी हो गया काम, अरे वो भी हो गया काम, बहुत बड़े बड़े गेंस आप देख सकते हो। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा गेन होगा, याद रखना ये बात। अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटा गेन होगा, बड़ा सोचो। कहते हैं ना ईश्वर से मांगना है तो 50,000 करोड़ मांगो, 1 करोड़ नहीं यार, भगवान 1 करोड़ दे दे मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं। ओझा जी है, ओझा सर रोहित जी, वो कहते हैं कि ईश्वर से मांगना ही है तो 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ मांगो। बोलो क्यों मांगते हो कि 1 करोड़ दे दे या 2 करोड़ दे दे, ईश्वर से बड़ा मांगो, ईश्वर को बोलो ईश्वर बड़ा दे। हाँ, लेकिन वो बड़ा जब आ जाए तो खुद बड़े मत बनो, अपने कर्म को बड़े बनाओ, अपने कर्म को, खुद बड़े बनने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म को बड़े बनाओ। बहुत लोग मुझे कहते हैं रोहित जी मेरा उस पे आपकी फीस बहुत हाई है, ये है वो है। मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो डिपेंड करता है आप क्या खरीदने जाते हो, वो हिसाब से आपको आपको प्राइस देनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर बैक ऑफ द माइंड, अगर बैक ऑफ द प्लेस देखिए कि मैंने कितने लोगों के पैसे लेके वापस भी कर दिए, कितने लोगों को मैंने लिए भी नहीं, कितने लोगों को मैंने ऐसे ही कर दिया,
बट somehow मुझे भी तो अपना घर चलाना है ना, और खास करके मैं इंडिया में हूँ नहीं, मैं हूँ कनाडा में, यहाँ पे सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, क्या बताऊँ भाई। ये इंटरेस्ट रेट जब मैंने घर लिया तब था 1.5%, अब यहाँ पे 7% इंटरेस्ट रेट है, तो आप सोचो 7 गुना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप सोचो कि सब लोग कैसे जिएंगे भाई। पर ठीक है, इसके लिए मैंने सबके लिए डिफरेंट टाइप का ही रखा है कि कोई कोई जो लोग कुछ नहीं चाहते उनके लिए मैंने 1000 रुपीज का भी प्लान रखा है कि भाई आओ, मैं उसमें आराम से, मैं तो बोलता है उसमें रिटर्न रिपोर्ट है, पर मैं तो उसमें पूरा वीडियो बना के भेजता हूँ अच्छे से। सो कृपा ईश्वर की यहाँ पर रोहित जी, क्योंकि बृहस्पति देव की तीनों दृष्टियां हैं यहाँ पर, तो पहली दृष्टि आपके लगन पर, आपके एक सडनली आपके अंदर एक ऐसा करिश्मा कर देगी कि लोग आपको बहुत बिलीव करने लगेंगे। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति देव यहाँ पर आपको एक विजडम, अलग तरीके की विजडम, आपके मुंह से निकली हुई सारी बातें विजडम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बहुत अच्छा समय। साथ साथ में बृहस्पति देव का तीसरे घर में देखना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी आत्मबल को, आपके पर्सनल इंटरेस्ट को और बड़ा बूस्ट देकर आपको आगे लेके जाएगा, ये तो मानने वाली बात है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है त्रिकोणों की, त्रिकोण में बैठकर त्रिकोण में दृष्टि डालना रोहित जी, ये एक राजयोग होता है, और बृहस्पति देव का यहाँ पर त्रिकोण में बैठना 9वें घर में और त्रिकोण पे दृष्टि डालना 5वें घर पे अपने ही घर में एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि भाई पैसा तो, या पैसा कह लो या किस्मत कह लो या धर्म कह लो या लक कह लो या बच्चे कह लो, सब कुछ आपके लिए होना ही होना है। आप डिपेंड करता है आप एनर्जी किस जगह डालते हो, आपको इस समय पे एनर्जी आपकी सही जगह डालनी है, आपकी सही एनर्जी आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। सो होपफुली बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ज्यादा किस्मत लेके आए, ये लव अफेयर्स का भी एक कहानी बनेगी भाई, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बृहस्पति देव एक्सपेंशन देते, 5वें घर में एक्सपेंशन देते, मतलब आपको प्यार भी हो सकता है किसी से। सो ये प्यार को मैं क्या नाम दूं ये सोचना पहले, ठीक है। तो ये है लियो एसेंडेंट्स के लिए, आई होप कि आपके लिए ये साल और नया आने वाला साल, प्लस ये वाला जो राहु देव का गोचर और बृहस्पति देव का अकेले हो जाना और उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट देना, ये 10-fold रिजल्ट आपके लिए लेकर आए। बाकी आपकी दशा अंतरदशा वो और ज्यादा कहेगी, बट यहाँ पर जनरली 40-50% आपको ये रिजल्ट मिलने ही मिलने। वर्गो रोहित जी, अब वर्गो के लिए देखेंगे तो बृहस्पति देव आ गए आपके 8th हाउस में, अष्टम में। अष्टम में बृहस्पति देव का इतना ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अष्टम जहाँ जो घर है रोहित जी, ये अनएक्सपेक्टेड घर है, ये है ना। राहु देव ने यहाँ से जो गोचर किया है 7वें घर में, वो एक अच्छा गोचर है, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप में वो बूस्ट दे देंगे तुरंत, लेकिन अष्टम में बृहस्पति देव का आना थोड़ा सा, और बृहस्पति का रहना और इस समय पे वक्री भी रहना, थोड़ा सा एक होता है ना, थोड़ा सा यहाँ पर इशू देखने को मिल सकता है। अब इशू ये देखने को मिल सकता है कि नंबर वन, यहाँ पर भी बृहस्पति देव बैठते वहां पर एक्सपेंशन देते, पर इनकी दृष्टियों में अमृत, इनकी दृष्टियों में कहेंगे तो इनकी दृष्टियों से सोना बरसता है। यहाँ पर जो ये बैठे हैं, ये ना आपको आपके स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब में बढ़ा दे सकते हैं, ये हेल्थ की प्रॉब्लम करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन साथ साथ में अगर आप ज्वाइंट फाइनेंसिस की बात करें, इसमें ग्रोथ देंगे। अगर आप बात करेंगे आपके कहते हैं ना कि आपकी साइकिक डेवलपमेंट के लिए, आपकी हायर लर्निंग, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी वगैरह की पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो थेरेपी के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर आप कोई अपनी थेरेपी कराना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे वर्गों वाले लोगों को कुछ नहीं करके भी मसाज या हेड मसाज थेरेपी के लिए चले जाना चाहिए, बोलना चाहिए मेरी बॉडी थेरेपी कर दो या पंचकर्म कर दो या कोई ना कोई तरीके की थेरेपी करवाओ, आपके लिए एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपके अंदर बहुत बड़े डर है, क्योंकि राहुदेव ना अष्टम में थोड़ा डर भी दे देते हैं, अनएक्सपेक्टेड डर, तो वो डर आपको अब आपका खत्म होगा, ये एक अच्छी चीज आपके लिए देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 दृष्टियां हैं बृहस्पति देव की। सबसे पहली दृष्टि आपकी 12वें घर पे जा रही है, 12वें घर की दृष्टि यहाँ पर आपको कहती है कि फॉरेन रिलेटेड अगर कोई काम है, सेटलमेंट है, वीजा है, पासपोर्ट है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है, आपको एक्सपेंशन मिलनी है फॉरेन कंट्रीज से, एजुकेशन से रिलेटेड या आपको सेटलमेंट से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे 2nd हाउस पे जो दृष्टि जा रही है बृहस्पति देव की, वो कहता है कि आपके फाइनेंसेस में आपको एक्सपेंशन मिलने वाली है,
तो ज्वाइंट फाइनेंसेस आपके ठीक होने वाले हैं, यानी आपके हस्बैंड आपकी वाइफ के आपके पार्टनरशिप में से ज्वाइंट फाइनेंसेस, या आपके वर्क प्लेस पे से आपको ज्वाइंट फाइनेंसेस, जो भी आपको लगता है कि ना मैं मेरे को कंपनी शेयर्स देने वाली है, मेरे को ये, वो सब आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। तो ये समय पे आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि जो जा रही है, आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ साथ में आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे होकर आपके बैंक बैलेंस भी इंक्रीज होगा। नाइन्थ दृष्टि जो है वो जा रही है आपके फोर्थ हाउस पे, और फोर्थ हाउस में मतलब किस्मत से आपको घर लेने की किस्मत बन जाएगी, आपको गाड़ी लेने की किस्मत बन जाएगी, और आपको साथ साथ में आपकी माता के साथ अच्छा रिलेशनशिप का भी यहाँ पर एक कहते हैं ना कि अगर आपकी माता या आपकी माता समान कोई आपसे रूठ गई हो तो ये टाइम पे वो मान जाएगी और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वैसे बनाएगी। और मनी वाइज वेरी गुड, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पे जा रही है। होपफुली वर्गो वालों के लिए ये एक मजा वाला टाइम तो है, पर साथ साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना एट्थ हाउस से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं। बृहस्पति देव को नहीं पता ना कि मैं कहाँ हूँ, उनको तो ये पता है कि इस घर में मुझे इस तरह के रिजल्ट देने हैं, तो वो उस तरह के रिजल्ट देंगे, ध्यान दीजिएगा। पर वो बेनिफिट प्लैनेट है रोहित जी, तो आई थिंक वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। जी रोहित जी, सही कहा आपने, और यही एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू होता है जहाँ पर ग्रहों की ऐसी चीजें सामने आती हैं कि आप अगर पहले से थोड़ा प्लान कर लें ग्रहों के ट्रांजिट होने से पहले, या फिर दशा महादशा शुरू होने से पहले, या साल शुरू होने से पहले, 2024 शुरू हो रहा है, आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, इम्प्रूव्ड रिजल्ट चाहिए, तो आप अपने चार्ट का एनालिसिस करवाएं, अपनी कुंडली दिखाएं आकाश जी के साथ बैठे वीडियो कंसल्टेशन में, और उसके बाद आप महीने के हिसाब से अपने 2024 को प्लान कर लें। जी रोहित जी, मूविंग ऑन, लिब्रा यानी तुला लगन, तुला लगन वालों के लिए सातवें घर में बृहस्पति देव विराजमान है और राहु देव आपके सिक्स हाउस में चले जाके, सबसे अच्छी बात सुन लो, आपके एनिमीज खत्म। एंड अगर आप देखेंगे तो आपके बृहस्पति देव यहाँ पर से जो दृष्टि डाल रहे 11वें घर पे, पहले घर पे, तीसरे घर पे, ये दृष्टियां तो आपके लिए जबरदस्त टाइम लेकर आएगी। केंद्र में बैठ के केंद्र में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी एक राजयोग माना जाता है। अब देखिए रोहित जी, यहाँ पर नंबर वन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो आपके है वो डीपन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आप उसके अंदर प्रभाव महसूस करेंगे, साथ साथ में नए रिलेशनशिप भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे समय है, क्योंकि अगर आप ऐसे बिजनेस में है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या कहते हैं ना गोल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे बैंकिंग में होते हैं गोल्स, या आप सेल्स में है गोल्स, वेरी गुड, आपके बृहस्पति देव की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके सारे गोल्स को कंप्लीट, अचानक से आप बोलेंगे ये हो क्या रहे, मेरे सारे गोल्स कंप्लीट कैसे हो रहे, मैं कैसे सक्सेस पे आ गया, वेरी गुड। साथ साथ में बृहस्पति देव की जो पहली दृष्टि है वो आपके लगन पर है, और दूसरी दृष्टि लगन पर है, तो आप एक पर्सनली भी यू विल डेवलप लॉट, आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने की इस समय पे देखने मिलेगी। साथ साथ में बृहस्पति देव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पे, योर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इसमें बृहस्पति देव का एक ही कहानी है रोहित जी, कि जो पहली दृष्टि डाल रहे हैं ना लगन पे, ये थोड़ा वेट बढ़ा देता है, ये थोड़ा वजन बढ़ा देगा, तो आप हल्दी का सेवन करिए। देखिए मैं ये तो बैठा हूँ ना, हल्दी वाला ही पानी पी रहा हूँ, है ना, हल्दी का सेवन करें, हल्दी रोज सुबह उठे गर्म पानी में हल्की सी हल्दी डाले और पिए, आपके लिए ये पूरा टाइम जब तक मई तक वो जाएंगे नहीं आपके एट्थ हाउस में, तब तक आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मई में एट्थ हाउस में जाके वो आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करने वाले, क्यों, क्योंकि आपके लिए वापस वो विपरीत राजयोग बना देंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रगल होगी लेकिन बाद में जबरदस्त रिजल्ट देना शुरू करेंगे एंड ऑफ द ईयर में अगले साल। सो बृहस्पति देव आपके लिए बहुत टच बैठे एकदम। यहाँ पर रोहित जी राहु देव आपके नाइन्थ हाउस में, सिक्स हाउस में आ गए, आपके दुश्मनों का नाश, और केतु देव आपके यू नो ट्वेल्थ हाउस में आ गए। ये कहते हैं ना कि एरीज और लीब्रा ये दोनों के लिए बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है, क्योंकि रोहित जी यहाँ पर वो दोनों आ गए दुष्टानों में, दुष्टान में आ गए तो मतलब आपको कोई दुष्ट दुष्ट आदमी दुष्ट जगह पे आ गया, कोई उधर तकलीफ नहीं देता, वो बड़े कंफर्टेबल है वहां। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लीब्रा वाले की एक सडन आपकी लाइफ में अच्छा चेंज आने वाला है, खास करके आपके जो धन का मालिक है, अगर हम देखेंगे धन का मालिक कौन है आपका, आपको पता है आपके धन का मालिक है पांचवें घर का मालिक, वो है शनिदेव। शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख से, वो भी आपके लिए एक बेनिफिट। तो ये ना बोलते हैं ना कि पांचों उंगली घी में सर कड़ाई में, ये वाला मामला लिब्रा के लिए भी है,
तो वेरी गुड, आप बेस्ट बेस्ट टाइम फॉर यू, एंजॉय करो, पार्टी करो, अच्छे दान करो, कर्म करो, और जितना दोगे उतना मिलेगा भाई, याद रखना ये बात। जिसके हाथ में हिम्मत है देने की, उसके हाथ में रिसीव करने की हिम्मत है, वरना नहीं रहेगी। मैं गया रोहित जी अभी एक जगह, मैं यूएस गया था, वहां मैंने ऐसे, ईश्वर की कृपा है, एक सांप वाला था, वो सांप लेके बैठे थे कि सांप खरीद लो खरीद लो। तो मेरी बेटी तो लवर है स्नेक की, भागी और सांप पकड़ लिया उसने। अब वो पीछे पड़ के लेना है पापा लेना है। अब मैंने बोला कि हम लेके तो जा नहीं सकते, फ्लाइट में वगैरह सांप है, कैसे लेके जाए। एनीवेज वो जबरदस्ती उसने मेरे से करवाया कि नहीं पापा गिव हिम मनी, तो दो पैसे, सांप खाएगा कैसे खाना। तो देने का भाव बहुत बड़ा भाव होता है, और वो किसको भी देना चाहिए आपको। गौतम बुद्ध की मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आप देने बैठो ना, जब आप सोचो ना कि आपको कुछ देना है, तो अगर आपने ये सोच लिया ना कि इसको दे दूंगा यार ये जरूरत में है, इसको दे दूंगा ये जरूरत में, अगर आपने ये सोच लिया ना, तो आपने, आपका देना व्यर्थ हो गया, आप दे ही नहीं, आप किसी को दे ही नहीं सकते। आप बस दे दो, वो जरूरत में है नहीं है वो ईश्वर डिसाइड करेगा, अगर ईश्वर चाहेगा तो उसके पास आ ही जाएगा आपके पास से। सो जस्ट देने का भाव रखो, ये मत सोचो इसको जरूरत है मैं इसको ही दूंगा, इसको जरूरत नहीं मैं इसको नहीं दूंगा। क्या पता फेस वैल्यू पे आप जा रहे हो, क्या पता वो जिसको जरूरत है उसके पास बहुत कुछ है। तो आप बस अपना देने का काम करो, जजमेंट नहीं करनी चाहिए, जजमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारे पास है ही नहीं, शनिदेव के पास है। जजमेंट है आपको, जो आप बस देने का भाव रखो, बाकी आप भूल जाओ कि किसके पास क्या है किसके पास नहीं। बहुत बोला मेरी वाइफ ने तूने क्यों उसको पैसे दिए, मैंने बोला कि जेनी बात ये थी कि जब बच्चे ने बोल दिया दे दो ना, तो मतलब ईश्वर ने बोल दिया दे दो, तो मतलब जरूरत बोलती है वो लोग ड्रग्स करेंगे ये, कोई बात नहीं, मेरा काम था देना, बाकी उनका काम है जो मत दिया। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि गिविंग का जो भाव है ना वो बड़ा रखो, वही आपको आगे बहुत बड़ा बनाएगी। ठीक है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट रोहित जी, स्कॉर्पियो वालों को देखेंगे तो स्कॉर्पियो वालों के ट्रांजिट होने वाला है 6th हाउस में, तो ऑलरेडी बृहस्पति देव है, बट 6th हाउस से ट्रांजिट होने वाला है राहु का आपके 5th हाउस में, जो वापस आपके लिए धन का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। लेकिन बृहस्पति देव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बृहस्पति देव अप्रैल में आ गए थे यहाँ पर, राहु के साथ पीड़ित ही कहे जाएंगे, क्योंकि राहु ने उनको दुखी करके रखा था, राहु को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। वो क्लास में एक ऐसे बच्चा था जिसके पीछे उंगली लेके पड़े थे कि भाई तू चुप हो जा, शांत हो जा, रिलैक्स कर, ये ना हेल्थ प्रॉब्लम दे ना कुछ दे। राहुदेव को उन्होंने कंट्रोल किया और राहुदेव को अब उन्होंने भेज दिया अपने ही घर में। राहुदेव का याद रखना, जिस भी घर में वो जाते हैं वो उस घर की तरह बन जाते हैं, क्योंकि वो एक शैडो प्लैनेट है। तो यहाँ पर वो क्या बन गए, बृहस्पति देव। लेकिन किस तरह के बृहस्पति देव, थोड़े ओवर स्मार्ट, बस यही कहानी है, और इम्पल्सिव, तुरंत डिसीजन लेना, मैं तो धर्म कर्म का काम कराऊंगा इससे, पर लॉस करा के, तो इस तरह के डिसीजन लेते हैं वो। यहाँ पर 6th हाउस में आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपने डेली रूटीन के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, आप इम्प्रूवमेंट देखोगे ये सब एरिया में, आपकी डिसिप्लिन बढ़ेगी और साथ साथ में आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होने लगेगा। अगर आपके कलीग्स के साथ आपकी कोई पंगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो डिस्प्यूट आपके सॉल्व हो जाएंगे, फिर से मित्रता की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लोन अगर आप लेना चाहते हैं और डेट अगर आप पे करना चाहते हैं, दोनों में आपको कृपा मिलने वाली। फॉरेन ट्रैवल के लिए बेस्ट योग, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है वो सीधा 12वें घर पे जा रही है। करियर के अंदर जबरदस्त ग्रोथ, साथ साथ में न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पे आप हीरो की तरह शाइन करेंगे इस समय, और आपका पैसा बढ़ने का भी चांस है, क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पे जा रही है। तो दूसरे घर की दृष्टि, 12वें घर की दृष्टि, 10वें घर की दृष्टि, तीनों चीज एक ये बताती है कि आपको पैसे का कुछ योग बनने वाला है, आपकी करियर के अंदर ग्रोथ होने वाली है। जहां भी बृहस्पति देव देख रहे हैं वहां ग्रोथ होनी है। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपको कुछ कुछ करना चाहते हो, कहते हैं ना कि फॉरेन से रिलेटेड अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, कोई करियर रिलेटेड फॉरेन में, तो आपका वैसा ही योग बना हुआ है, आप जरूर फॉरेन जा सकते हो करियर से रिलेटेड। बृहस्पति देव यहाँ पर अभी बकरी अवस्था में है, और 1 जनवरी से ही अगर देखेंगे तो मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए देखिए ना, आप ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप खुद अपना एनालाइज कीजिए,
बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं वहां क्या करते हैं, वो ओके रिजल्ट देते हैं, लेकिन जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां अमृत डालते हैं। आपकी दृष्टि आपके सामने कहाँ कहाँ जा रही है। साथ साथ में आपके चौथे घर के अंदर, आपके सुख के घर के अंदर शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे, ठीक है, वो भी एक अच्छी गुड न्यूज आ गई आपके लिए। राहु आपके फिफ्थ हाउस में चला गया जो लक्ष्मी माता का स्थान है, और राहु जो है वो बोलते ना अपने सब कुछ न्यूछावर कर देता है दुर्गा माता को, और दुर्गा माता लक्ष्मी माता वन एंड सेम ही है, लाइक वो शक्ति ही है वो। तो आपको क्या लगता है वो पंगा लेगा शक्ति से? कभी नहीं लेगा, समझ रहे हो? तो आपके लिए बोलते ना ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स डरा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं यार, कॉन्फिडेंस रखो। एस्ट्रोलॉजी मतलब कॉन्फिडेंस, एस्ट्रोलॉजी मतलब डरना थोड़ी ना, एस्ट्रोलॉजी मतलब आगे खाई है समझ जाओ बस, जबरदस्ती कूदना थोड़ी ना खाई में, कोई फेक थोड़ी ना आपको। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। आपके जिस तरह से एक्शन होंगे बोलते ना कर्म के रिजल्ट ही मिलते हैं आपको, और कुछ नहीं मिलता। कोई भी प्लैनेट खराब नहीं है भाई, हर प्लैनेट ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर प्लैनेट का काम है आपको देना, आपको चलाना और आपको बर्बाद करना, हर प्लैनेट। तो इस चीज का ध्यान रखे एंड डू नॉट, लोगों की भ्रम में मत आए। लोगों का काम तो है कहना आप ना सुने ऐसी बात है। जी रोहित जी, जी और एस्ट्रोलॉजी भ्रम दूर करती है बशर्ते कि आप, मैं नहीं कहूंगा कि सभी एस्ट्रोलॉजर खराब हैं या सभी, मैं कहूंगा कि गाइड करने वाला होना चाहिए आपको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की लाइमलाइट में आपको गाइड करने वाला। और इसीलिए हमने ये सोचा कि अब एक पैकेज लॉन्च किया जाए पूरे परिवार वालों के लिए, क्योंकि 2024 शुरू हो रहा है, और शुरू होने से पहले आप अगर उसको प्लान कर लें आकाश जी के साथ बैठ के कि जेंट दिसंबर में मुझे ये काम करने हैं, बताइए कब करूँ और कौन से काम नहीं करूँ। हो सकता है कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले हो जहाँ आकाश जी आपको रोक दें, तो रुक जाइए। इसीलिए 2024 को बेहतरीन बनाने के लिए, एक बैलेंस ईयर बनाने के लिए प्लान करें आकाश जी के साथ। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, बैठ जाइए आकाश जी के साथ वीडियो कंसल्टेशन में और प्लान कर लें अपना 2024 एडवांस में। जी रोहित जी, एडवांस में प्लान कर लिया, और अब मूव करते हैं हम उस लग्न के लिए जिनका लग्नेश अब होने वाला है। एकदम रिलैक्स, उन्होंने आके राहुदेव की सारी एनर्जी को कंट्रोल किया। अब राहुदेव चले गए फोर्थ हाउस में, आपके राहुदेव फोर्थ हाउस में जाकर अच्छे काम करेंगे आपके इसके लिए, रोहित जी क्या कहते हैं आपकी लाइफ के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति देव यहाँ पर जब अभी फिलहाल जो है ना वो वक्री अवस्था में, और मार्गी हो जाएंगे वो जनवरी 1 तारीख से, 31 से ही हो जाएंगे बट जनवरी 1 तारीख से इफेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर फिफ्थ हाउस में बृहस्पति देव का अकेले रहना इस समय पे आपकी क्रिएटिव लाइफ को एक बहुत बड़ा स्पार्क, मतलब कहते ना एक अचानक से आपको एक आप खुश होने लगेंगे। पांचवा घर खुशी का घर है, पांचवा घर रिलैक्सेशन का घर है, आप अचानक से खुश होने लगेंगे, आपकी एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज बाहर आने लगेगी। कहते ना आप अपने अंदर के बचपन को ढूंढने लगेंगे, इस तरह की समय आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कोई भी इन चीजों में से है, आर्टिस्ट है, राइटिंग करते हैं, एक्सप्रेशन कोई फॉर्म करते हैं, आपकी कोई सिंगर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत ज्यादा फेम मिलने के चांसेस है। फिफ्थ हाउस फेम का घर है बाय द वे, याद रखना, फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फेम, हिडन फेम फिफ्थ हाउस। यहां पर देखेंगे कि बृहस्पति देव आपको और ज्यादा इम्पोर्टेंटली आपके लव अफेयर्स, अगर आप लव अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लव अफेयर्स करेंगे। बच्चे पैदा करना चाहते हैं, नए बच्चे की या सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हैं, दोनों चीज आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव 99% चांस देते हैं आपके बच्चे डिलीवर। बहुत सारे लोग तो सैजिटेरियस वाले डिलीवर कर रहे होंगे अभी बच्चे, देख लें, या तो इनकी प्रेगनेंसी के वो डेट ये टाइम पे होंगे कि यहाँ पर अब डिलीवरी के समय आ गया होगा इनका, और बहुत सारे लोग प्लान करना शुरू कर देंगे अपना सेकेंड चाइल्ड, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टियां जो है ना वो अमृत लेके आती है। रोहित जी देखिए, पहली दृष्टि जो इनकी पांचवी दृष्टि जा रही है, पांचवी दृष्टि क्या हुई, फिफ्थ दृष्टि इज द दृष्टि ऑफ चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड। यहाँ पर सेकेंड चाइल्ड नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, तो सेकेंड चाइल्ड की प्लानिंग आप कर सकते हैं, साथ साथ में थर्ड चाइल्ड की भी कर सकते हैं, वाइदर खाली सेकेंड की नहीं। अगर हम दूसरी देखें तो बृहस्पति की दृष्टि जा रही है ग्यारहवें घर पे, आपके बड़े बड़े गोल्स, आपकी बड़ी बड़ी चीजें जहां पर आपको आपके कुछ मनोकामनाएं पूरी होनी थी वो भी पूरी हो जाएगी। आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल लाइफ, आपकी सोसाइटी आपकी हेल्प करेगी, और आपकी नेम एंड फेम एकदम पीक पे होगी इस समय पे। और तीसरी दृष्टि जो है वो लगन पे जा रही है, लगन पे आपको
बोलते ना एक मैग्नेट बना देगी इस समय, लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे ही सारी चीजें, सारी बोलते ना सारी डिस्कशंस करना चाहेंगे, तो ये लोग करेंगे आपके साथ। तो आपके लिए तो बोलते ना अच्छा समय है, लक्ष्मी माता के स्थान पर जुपिटर बैठे हैं, और जुपिटर यहाँ बैठ कर क्या करते हैं लक्ष्मी माता के स्थान पर, आपको लक्ष्मी माता के दर्शन कराते हैं। क्या करेंगे बृहस्पति देव, दर्शन कराएंगे कि हे माँ लक्ष्मी इन्हें भी दर्शन दो। तो माँ लक्ष्मी की, जिन जिन लोगों के घर में बेटी आने वाली है इस समय पे, और बेटियां आ जाए उनकी तो बस किस्मत बदल जाए। ऐसा नहीं कि बेटे किस्मत खराब लेके आते, बट बेटियां एक स्पेशल चीज है भाई। जिसकी भी बेटी है लाइफ में, याद रखना उसकी लाइफ में एक अलग तरीके का सुख मिल जाता है उसको, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और जो लोग आज के समय में भी, रोहित जी मेरे पास है चार्ट्स, सक्सेसफुल डॉक्टर्स है रोहित जी, सक्सेसफुल डॉक्टर्स, मैंने किसी डॉक्टर का चार्ट किया, वो देखिए मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अच्छा, मैंने बोला साल का इनकम कितना है, तो बोले साल का इनकम अगर इंडियन करेंसी में देखे तो 3 करोड़ रुपए, ठीक है। पर फादर अभी भी मेरे को बोलता है कि मेरे भाई को ही ठीक कर दे, क्योंकि मैं बेटी हूं ना, तो बेटी उसको चाहिए नहीं थी। ऐसे भी लोग है लोग दुनिया में रोहित जी। अच्छा, बेटा ड्रग भी लेता है, बेटा मतलब शराब भी पीता है, सब कुछ करता है, कोई बात नहीं। बेटी एकदम अमृत चक्की हुई है, मतलब है पंजाबी, पर देखो किस्मत, किस्मत भी उससे भी ज्यादा आपका माइंड सेट कि लड़की ये करती, लड़की भाई आजकल सब कुछ है। और याद रखो कि दुनिया में जो भी हम बैठे ये औरत से निकले, हम आदमी से नहीं निकले। सो लड़कियां, जितनी भी लोगों की लड़कियां, पहले तो वो ब्लेस्ड है, और दूसरी बात अगर आपकी लड़कियां आने की, क्योंकि देखो जुपिटर तो क्लियरली कह रहा है ना फिफ्थ हाउस में बैठ के कि ये टाइम पे बच्चों का टाइम है, तो आपके लिए एक अच्छा समय है। जो लोग बुजुर्ग हो गए वो टाइम पे, इनके लिए धर्म के लिए तो एक एक्सट्रीम समय है, एक्सट्रीम समय मतलब फिफ्थ हाउस धर्म का घर, आपके भाग्य स्थान माने जाता है ये, और साइड में नाइन्थ हाउस आपका भाग्य स्थान। ये दोनों भाग्य स्थान का एक दूसरे के साथ मतलब बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप बनने से आपके धर्म में आपका 110% एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट सेजिटेरियस वाले, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा, बहुत एक्सट्रीम अच्छा काम करें समय पे, मजा आ जाए आपके लिए। कैप्रिकॉर्न रोहित जी, यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति देव ने अप्रैल के अंदर आपके चौथे घर के अंदर एंट्री मारी थी, और यहाँ पर राहु देव थे, तो ये कंप्लीटली क्या कर रहे थे, राहु देव को कंट्रोल करने में लगे थे। पर अभी इन्होंने क्या किया, अगर आपका विदेश जाने का कोई प्लान था उसको ये पूरा कर देंगे। अगर आपका फैमिली लाइफ, इमोशनल वेलबींग, आपका घर, आपका परिवार, दोनों तरीके से डिपेंड करता है आपकी बृहस्पति की दशा, अंतरदशा चल रही है कि नहीं चल रही, उस हिसाब से आपको ये रिजल्ट देंगे। ये टाइम पे आप अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, जहां पर भी आप रहते हैं, कोई ना कोई तरीके की रेनोवेशन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, कोई ना कोई तरीके की एक्सपेंशन करेंगे, साफ करेंगे, थोड़ा घर बड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा घर में ये सब कचरा हटाओ, ये फेंको, वो सब काम आपका होने वाला है, रेनोवेशन हो सकता है। आपकी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप गाड़ी प्रॉब्लम इन द सेंस आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, या आप गाड़ी रिपेयर करवा सकते हैं, या गाड़ी इंटीरियर क्लीन करा सकते हैं। एकदम छोटी छोटी चीजें होती है भाई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बट होती है। ये एक्सेलेंट टाइम है रोहित जी, जहां पर आपको इमोशनल रिलैक्सेशन मिलने की चांसेस। राहुदेव क्योंकि यहाँ से फोर्थ हाउस से निकल के थर्ड हाउस में चले गए रोहित जी, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे अपने मन में, एंड कहते हैं ना कि आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आप बड़े बड़े काम कर सकेंगे। ये टाइम पर अगर आप फॉरेन में सेटलमेंट के लिए सोच रहे तो आप, हिम्मत आपकी बढ़ जाएगी, आप कर पाएंगे फॉरेन में सेटलमेंट। तीन दृष्टियां रोहित जी जुपिटर बृहस्पति देव की, पहली दृष्टि आपके अष्टम में, अष्टम देखेंगे, अष्टम में दृष्टि पड़ना, पांचवी दृष्टि सडनली कोई गेन्स हो जाना, सडनली पैसे का कहीं से लाभ हो जाना, ये आप देख सकते हैं। पर साथ साथ में आपको कैसे बताऊं मैं, आपको ना ये दे देगा, क्या बोलते हैं, अचानक से एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन, आपका माइंड सेट, आपका पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न विल चेंज, आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, माइंड सेट। आप बोलोगे यार ये पहले मैं ऐसा सोचता था, अब मैं ऐसा सोचता हूँ, पहले मैं सोचता था ये ही सही है, अब मैं सोचता हूँ ये ऐसा सही होगा। सो आपके लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ होते ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना पैटर्न, लाइफ पैटर्न का सोचना करना। यहाँ पर जो दूसरी दृष्टि है वो आपके दसवें घर पे जा रही है, आपके करियर में बहुत अच्छे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज आपको खोल देगी। इनफैक्ट आप किसी के साथ अभी काम कर रहे हो ये समय पे, सो अगर आपको वहां से पे मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती और आप फिर भी उनके लिए काम किए जा रहे हो तो आपको वहां पे डिमांड करने की अब जरूरत है,
क्योंकि विदाउट एनीथिंग, विदाउट दैट, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आपको कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। और तीसरी दृष्टि जो है बृहस्पति देव की, वो है आपके बारहवें घर, बारहवां घर यानी फॉरेन का घर। इसलिए कह रहे हैं ना कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी अंदर और बाहर दोनों करने का इस समय में मौका मिलेगा, और आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो होपफुली भगवान करे कि आपको फॉरेन के अंदर कोई काम में बन जाए आपका इस समय पे, और आप वहां पर देखिए रोहित जी, ये तो है यार कि प्लैनेट का ट्रांजिट ना काम करता है भाई, 110% करता है। मैंने कोई कोई चीज ऐसी देखी है ट्रांजिट में, बहुत लोग बोलते हैं सर ट्रांजिट से ज्यादा दुर्दशा, ये तो क्या है, ये तो होता ही रहता है, बट यार यही तो असली चीज है जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, वो सब तो प्राण दशा देती है ना। कहते हैं ना महादशा, अंतरदशा, प्रात्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। प्राण दशा में तो मैंने इतना अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि प्राण दशा तो ऐसी ऐसी लोगों को रिजल्ट देती है ना कि हिसाब नहीं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु आर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, इट्स गोना बी वेरी एक्सट्रीमली वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुख वाला टाइम आपके लिए, आप देखेंगे। सही कहा आपने, गोचर काम करता है और मैंने खुद करते हुए देखा और देख रहा हूँ, गोचर काम करता है। गोचर यानी ट्रांजिट, जो पूरे साल के दौरान चेंजेस आते हैं सभी प्लैनेट्स के, कुंडली फिक्स नहीं रहती है आपकी, गोचर होता है। और इसीलिए हमने 2024 लॉन्च किया है पैकेज, वो जो गोचर 2024 में होने वाले हैं सभी ग्रहों के, उनको आप प्लान कर लें आकाश जी के साथ बैठ के, और देखिए कि कब कहां कौन सी दृष्टि जा रही है और किस हिसाब से आपको काम करना है ताकि आपको सफलता मिले। बस मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करें और 23 में ही 24 को प्लान करें। जी रोहित जी, अब मूव करते हैं हम एक्वेरियस पे यानी कुंभ लग्न पे, जिनका लग्नेश भी वक्री है। और फिलहाल लग्नेश वक्री, वैसे तो हम जुपिटर की बात करें बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है इसलिए बता रहा हूँ कि ये 4 नवंबर से आज से 2-4 दिनों में ये भी मार्गी हो जाएंगे, और आपके लिए वापस एक बोलते ना आपका दिमाग सही रास्ते पे चलने लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी कोई खराब रास्ते पे चल रहा था, बट थोड़ा सा जब लग्नेश थोड़ा सा पावरलेस हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम आई जाती है। यहाँ बृहस्पति देव अप्रैल में आपके तीसरे घर में आ गए थे और यहाँ पर राहुदेव भी थे। राहुदेव का यहाँ पर रहना एक्सट्रीमली आपको करेजियस बना देता है, आपने बड़े बड़े डिसीजन लिए होंगे। अब राहुदेव आपके सेकंड हाउस में चले गए तो आपको फाइनेंस में भ्रमित नहीं होना है, आपको डिसीजन सोच समझ कर लेना है, ये इसका कहानी है। और साथ साथ में केतुदेव आपके अष्टम में चले गए तो आपको बोलते ना कि पैसा प्लस आपको हर एक चीज इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति देव अब यहाँ पर बोलते ना शरारती बच्चे को आगे भेजकर अपने क्लास में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपनी दृष्टियों पर भी ध्यान देंगे। तीसरे घर के अंदर से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, आपकी सिबलिंग्स, अपनी अन्य छोटे भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने नेबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी हिम्मत और बढ़ेगी, और इस समय पे बृहस्पति देव जहाँ बैठते वहां पर एक्सपांशन देते, बड़ा करते वो जगह को, यहाँ पर आपकी हिम्मत भी और बड़ी हो जाएगी और आप बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर 3 दृष्टियां हैं बृहस्पति देव की, जो अमृत बरसाती है ना, सोना बरसाती है। यहाँ पर जो पहली दृष्टि है वो आपके 7वें घर पे जा रही है, तो आपकी अगर आप मैरिज, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, बिजनेस वगैरह में कोई भी चीज में आगे जाना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट, आपके लिए ये अच्छा टाइम आ गया, आप आगे बढ़िए। जो दूसरी दृष्टि है वो चल रहा है आपके 9th हाउस में, तो आपकी क्या करेगी, आपके एक रिलेशनशिप बनाएगी गॉड के साथ, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो आपकी और आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक बहुत अच्छा रिलीजन ये बन जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी 9th हाउस, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि बृहस्पति देव तीसरे घर में बैठे हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस समय पे, क्योंकि बृहस्पति देव तीसरा घर हर एक चीज छोटा होता है, छोटी फेम, छोटा ये क्या नेम, छोटा छोटा सब कुछ। यहाँ पर आप ये छोटा छोटा यहाँ पर मई तक है तो एंजॉय करो ये छोटे छोटे, लेकिन आपको ये छोटे टाइम के लिए फॉरेन ले जा सकती है, छोटे टाइम के लिए कोई यात्रा पे लेके जा सकती है, छोटे टाइम के लिए कोई ना कोई नया कार्य कर सकती है आपके लिए, और आपकी किस्मत भी चमकाएगी। 7वीं दृष्टि आपका पार्टनरशिप रहेगा अपने अपने आत्मा के साथ, आपकी किस्मत के साथ, बोलेंगे नहीं भाई साथ में आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ जाओगे। और तीसरी दृष्टि रोहित जी जा रही है अपने ही घर में, और वो कहाँ जा रही है, 11वें घर में, तो यहाँ पर आप क्या एक्सपेंशन देखते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम्स देखते हो, आप अपने पार्टनर्स के साथ कोई गेम्स देखते हो, साथ साथ में रोहित जी आप एक और चीज देखते हो कि किस्मत से आपको अचानक से कोई ना कोई गेम्स मिल जाएगा, आपके कम्युनिकेशन से कोई गेम्स मिल जाएगा, आपके लिए आपके बड़े बड़े गोल्स इस समय पे पूरे होने के चांस बनते हैं।
सारा कुछ आपके हाथ में है, आपका शनिदेव आपके मार्गी हो जाएंगे, आपका जो बृहस्पति देव अभी तो चलो वक्री है लेकिन 1 जनवरी से ये भी मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए एक और बेनिफिट वो टाइम पे और ज्यादा बूस्ट लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी वक्री अवस्था में ये खराब काम, याद रखो सब लोग, वक्री अवस्था में कोई भी प्लैनेट खराब नहीं करता, ये बस क्या करता है थोड़ा स्लो हो जाता है आपको रिजल्ट देने। अब बृहस्पति देव तो ऑलरेडी बेचारे पीड़ित थे, अब वो अकेले हुए तो आप स्लो क्या मतलब तो फास्ट ही होंगे अभी आपको रिजल्ट देने, आपको अभी पहले से तो बहुत जल्दी 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 रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलता है। मूव करेंगे पाइसेस यानी मीन लगन पे। अब मीन लगन को देखेंगे तो लग्नेश है ना पीड़ित, किसके साथ? राहु के साथ। और राहु ने क्या किया? राहु लगन में आ गया, किसके घर में आ गया? बृहस्पति देव के। राहु क्या है? छाया ग्रह। और राहु आकर यहाँ क्या बन जाता है? बृहस्पति देव बन जाता है। पर कैसा बृहस्पति देव? ओवर स्मार्ट। सारी नॉलेज है, सब कुछ है, सब कुछ आज करना है लेकिन ओवर स्मार्ट वे में करना है, और यही आप नुकसान करा लेते हैं। तो आपको एक लिमिट कहते ना, आप नल आपके हाथ में, आपको खोलना है कितना पानी निकालना है, कितना आपके मुंह के अंदर से जो निकल रहा है ना ये आपके हाथ में और किसी के हाथ में, आपको कितना खोलना है आपके ऊपर। सेकेंड हाउस में जुपिटर देव बृहस्पति देव एक्सपेंशन देंगे आपको इन टर्म्स ऑफ मनी, बैंक के अंदर आके बैठ गए आपके बृहस्पति देव, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप ट्यूनिंग बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड कर सकती है और फैमिली एक्सपैंड भी कर सकती है, आपके कोई रिलेटिव आपके पास आ सकते हैं आपको मिलने, आपके इस समय पे आपके घर के अंदर कोई एक्सपेंशन की काम चल सकती है, अगेन रेनोवेशन का काम हो सकता है, आपको लोन लेना पड़ सकता है इस समय पे आपको घर के अंदर कुछ काम कराने के लिए या घर खरीदने के लिए, ये एक अच्छा टाइम है क्योंकि बृहस्पति देव आपकी जबान पर आके बैठे हैं, तो आप जो भी जबान से निकालेंगे वर्ड्स ऑफ विजडम होंगे, है ना। और अभी राहु निकल गए तो आप अभी यू कैन स्पीक नाउ, आप इस समय पे आपको बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम बृहस्पति देव की तीनों दृष्टियों के बारे में बात करें तो पहली दृष्टि जा रही है आपके 8th हाउस 6th हाउस पे, है ना, पांचवी दृष्टि 6th हाउस पे, इसका मतलब आपको कृपा मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ आपकी हेल्थ, हेल्थ में आपको बहुत कृपा मिलने वाली है, आपके एनिमी से आप फाइट कर पाओगे, आपके डेट अगर आपके ऊपर बहुत लोन है तो आप फाइट कर पाओगे, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वो काम भी हो जाएगा, अच्छा अच्छा समय है ये। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आपके वर्क कलीग्स के साथ अच्छा हो जाएगा, आपके नान के यानी आपके अगर मदर के साइड से आपको कुछ गेन्स मिलने के मिल जाएगी ये समय पे। अष्टम दृष्टि देखो रोहित जी जा रही है, सप्तम दृष्टि जा रही है अष्टम पे, ये भी एक बहुत बड़ा काम है रोहित जी। यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे अच्छी बात बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंसिस में आप देखने को मिलेगा, या तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली मैच्योर हो जाएंगे, अगर आपकी दशांतर दशा फेवरेबल है ना तो ये टाइम पे आपको लॉटरी वाला सिचुएशन है, आपको कोई ना कोई पैसे का योग बन जाएगा भाई, गेम बन जाएगा पैसे का। इनफैक्ट यहाँ पर एक खाली चीज के हमें ध्यान देनी चाहिए कि अष्टम पे दृष्टि बृहस्पति देव की यहाँ पर चीजों को एनकरेज करती है, तो हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, स्पेशली पाइल्स रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, पेट में दर्द रिलेटेड, ये सब चीजों का ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि बृहस्पति देव की एनर्जी तो एनर्जी है, वो तो वहां देख रहे हो, अब वो चीजों के सारी चीजों को, वो घर के सारी चीजों को एनहांस करेंगे। जमीन जायदाद की अगर आपकी कोई कहानी बन रही है जिसमें हम कहते हैं ना कि आपकी जमीन जायदाद की आपको कोई रिजल्ट मिलनी थी या आपका कोई काम पैसा अटका हुआ है या कुछ, ये सब आपको वापस आ जाए, इसके लिए आपको गुड न्यूज है आपके लिए। साथ साथ में बृहस्पति देव की जो नौवीं दृष्टि है, भाग्य वाली दृष्टि, वो आपके करियर वाले घर में जा रही है और ये आपके करियर को एक बोलते ना आपके भाग्य से चमका देगी, आपका बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, आपके मान सम्मान में ग्रोथ, आपके पैसे में ग्रोथ, सब कुछ देखने को मिल रहा है मीन लगन वालों को, क्योंकि बृहस्पति देव आपके लग्नेश अपने से एक घर आगे जाकर आपको तो देने के लिए बैठे हैं, अब आप कितना लेने के लिए रेडी है वो ईश्वर को पता। आपकी दशा अंतरदशा प्रात्य अंतरदशा आपके करंट महादशा, महादशा लॉर्ड किस अवस्था में है, कौन से नक्षत्र में है, कहाँ गोचर कर रहा है, किसकी किसकी दृष्टि उसके पास है, कौन से कंजंक्शन वो बना रहा है, इतने लेयर्स देखने के बाद एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना बनता है कि हाँ भाई इस तरह से कुछ हो रहा हो। सो होपफुली पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा समय एंड आप एक्सट्रीम एक्सट्रीम कहते हैं ना लक के साथ आगे बढ़ोगे। मूविंग ऑन रोहित जी, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं 15वां यंत्र, ठीक है, 15वां यंत्र।
अब ये इंपॉर्टेंट यंत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि ये है माँ लक्ष्मी का यंत्र, और ये यंत्र बनाना डिफिकल्ट प्रक्रिया है, लेकिन ये कहते हैं ना इम्पॉसिबल नहीं है। यंत्र हमारे ना न्यूमरोलॉजिकल कोई तरह के कैरेक्टर रखते हैं अपने अंदर। अब एक 100 के नोट के अंदर जो एनर्जी है वो 10 के नोट के अंदर नहीं होगी रोहित जी। 10 का जो करेंसी है वो 10 का करेंसी सिर्फ 10 की चीजें खरीद पाएगा, लेकिन वही करेंसी वही पेपर जब उस पे 100 लिख दिया जाए, जब उस पे 1000 लिख दिया जाए, जब उस पे 10,000 लिख दिया जाए, तब वो एक अलग एनर्जी रखता है। तो नंबर थी राइट, तो इसी तरह यहाँ पर ये यंत्र दे, ये यंत्र जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत डिफरेंट एनर्जी रखता है, पर इसको बनाने का एक खास तरीका है। इसके लिए आपको 7 तरीके की इंक की जरूरत है, यानी 7 तरीके के एलिमेंट के लिए, चंदन की, अगर की, कपूर की, खसखस, कस्तूरी, कुमकुम और गंगाजल। ये 7 चीजों को अगर आप लेंगे और उसको मिलाकर एक पेस्ट बनाएंगे, और वो पेस्ट से भोजपत्र, देखिए अब नीचे मैंने भोजपत्र डाला, ये एक स्पेशल पेड़ की जड़, पेड़ के अंदर से निकलता है ना, ये पेड़ के अंदर का बार्क ऑफ ट्री है, इसके अंदर पुराने जमाने में इस पे लिखा जाता था सब। अगर आप ऐसे भोजपत्र पे शुक्रदेव के होरा के दिन अनार की कलम से लिखेंगे ऐसा यंत्र, और उस समय पे आप जब भी यंत्र लिखे तब श्रीम 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 श्रीम, ये माँ माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है ये करेंगे, तो ऐसा यंत्र अपने तिजोरी में या अपने पर्स में, है ना, छोटे छोटे पीस करके पर्स में या तिजोरी में। अच्छा याद रहे, पर्स ना तो लेदर का हो ना कोई एनिमल प्रोडक्ट से बना हो, अगर कपड़े का है तो ही रखिए, लेदर का रखेंगे उल्टा काम हो जाएगा आपका। तो अगर आप ऐसे समय पे ये रखें तो आपके लिए वेल्थ एबंडेंस में आती है, एबंडेंस में, ट्राइड एंड टेस्टेड, ये प्रयोग किया हुआ ही यंत्र आपको मैं दे रहा हूं, इस तरह से यंत्र बिना प्रयोग किया नहीं है। ये यंत्र की जो महत्वाकांक्षा है वो आप जब तक ये यंत्र बनाकर अपने पास नहीं रखोगे वो आपको नहीं महसूस होगी। रोहित जी आपका क्या कहना है यंत्र के बारे में? मुझे लगता है ये इसीलिए यंत्रों को मैजिकल चीजें कहा जाता है, क्योंकि इनमें ये जो नंबर्स आपने बताए ना, आंकड़े, इनका बहुत बड़ा गेम है, और ये जब अपनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं एक पर्टिकुलर मुहूर्त में सिद्ध होने के बाद, एक पर्टिकुलर चीज से बनने के बाद, तो ये अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं। और कितने यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कनक धारा, और इतने यंत्र हैं, और उस बीच वो यंत्र किस तरह से बने होते हैं, कौन से, कोई मेटल पे, कोई पेपर पे, नहीं समझ आता है। पर ये जो आप बताने आए हैं, यंत्र भोजपत्र पे ना बना हो, इतने इंक से ना बना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये तो ऐसे तो मेरे पेपर पे ऐसे ही छापा है, कोई मतलब ही नहीं है। इट हैज टू पास ऑन एनर्जी, प्रॉपर नक्षत्र में, प्रॉपर होरा के अंदर ये बने। अब जैसे दिवाली की रात आ रही है, दिवाली की रात के ऊपर ये यंत्र बन जाए तो कितनी मजे की बात है। एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है, जो मैंने इंग्लिश की वीडियो में भी शायद पूछा था, कि अब मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर जगह हूँ, मैं इस यंत्र को बनाने का सामान नहीं है, या सक्षम नहीं हूँ, या मुझे वहम है कि यार सब कुछ तो है, पता नहीं मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, तो क्या आप उनके लिए यंत्र बना सकते हैं जो आपको कॉल करें या आपको मेल के जरिए कॉन्टेक्ट करें? मुझे यही प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, कि ये मैं यंत्र का इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ, बट मैं यंत्र सिर्फ अपने हिसाब से, अगर मेरे को लगा किसी के लिए बनाना है तो ही बनाता हूँ, मैं ऐसे सबके लिए नहीं बनाता। तो ये सेल, ये बेचने के लिए नहीं है यंत्र। संपर्क कर सकते हैं, कर लो, अगर अगर किसी ने मेरे साथ कंसल्टेशन की है, उसको लगता है कि उसको जरूरत है तो कर लो, बट ऑनेस्टली मैं ये सब धंधा नहीं बनाया है इसको, मैंने बेचने का धंधा नहीं बनाया। ये तो मैं अभी चाहूँ तो मैं दिवाली की रात को ऐसे 100 यंत्र बना के इसको $100 में बेच दूँ, कर सकता हूँ ना, क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरे को तो 2 मिनट लगेगा बनाना पूरी दिवाली की रात में। वैसे तो मैं यंत्र बनाने वाला हूँ अपने लिए, बट मैं, लेकिन ये खुद, ये बोल रहा सेल्फ एफर्ट है, खुद को एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं बना के दे दूंगा, चलो आपके नाम पे, आपके नक्षत्र पे, आपके कुंडली के हिसाब से बना के दे दूंगा, बट स्टिल जो लोग सेल्फ एफर्ट करना चाहे उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव। अब जो नहीं कर सकते, जो ऐसी कंट्रीज में जहां पर कुछ है ही नहीं, जैसे मेरी तरह कनाडा में, यहाँ पर मेरे पास तो सारा सामान पड़ा है, किसी के पास है नहीं, तो फिर कांटेक्ट करो, क्या बताऊं मैं, फिर मैं बता दूं, बना है ना, बट ये मोस्टली सेल के लिए नहीं है। मेरे है वो टीम ने, वो मैंने देखा जाके वेबसाइट पे, वो रोहित जी उन्होंने डाला है वो यंत्र में, बट वो किसके लिए, वो जिसका मैंने चार्ट देख लिया, मैं कहूंगा नहीं यार आपको ना, आपके कोर्ट केस चल रहा है, मैं आपको यंत्र बना के देता हूँ, वो उनके लिए।
आपको कोई बोले मैं एकदम मेरा कोई ये प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही तो उसको यंत्र बना के दे दिया, कोई बिजनेस किसी का चल नहीं रहा उसको यंत्र दे दिया, तो उस तरह से मैं प्रोवाइड करता हूँ। बट नॉट मैं ऐसे कि नहीं ये मैं मास प्रोडक्शन में मैं बेच रहा हूँ, सॉरी बॉस ये मेरा मोटिव भी नहीं है और ये मेरा, ये तो मैंने आपको एक कोई नहीं बताता एंशियंट तरीका कैसे है, मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिया किस तरह से आपको बनाना है यंत्र, अगर आप बना सकते तो ठीक है, नहीं बना सकते तो कॉन्टेक्ट करो देखोगे। मैं वैसे तो बहुत बिजी हूँ रोहित जी, सच्ची बता रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसे ऑर्डर्स ले पाऊंगा जी। ठीक है रोहित जी। फिर भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं अपनी नेचर के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा वहमी हूँ, मैं सोचता हूँ नहीं यार परफेक्ट चीजें से बन के आना चाहिए, मुझे खुद से नहीं बनाना है, तो आप भी संपर्क करें और अगर किस्मत अच्छी हुई तो डेफिनेटली बन जाएगा। और जो एसी एस्ट्रो परिवार के मेंबर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, खास करके हमारा 2024 का जो हमने पैकेज लॉन्च किया है ताकि आप अपना 2024 एडवांस में प्लान कर सकें, उनके लिए एक अच्छा मौका है। वो नीचे जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दिखाई दे रहा है आप उस पर अपनी डिटेल सेंड करें और वीडियो कंसल्टेशन में आप बैठ जाइए आकाश जी के साथ और 2024 को अपने लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, वाइफ के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा मौका है। धन्यवाद आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज क्योंकि 30 अक्टूबर का इंतजार सबको था और बहुत सारे वीडियो थे, लेकिन आज फिर भी हमने एक रिकैप के तौर पे कहिए या आपको एक सबको खुशखबरी के तौर पे कि आज गुरु चंडाल योग खत्म हो गया, अच्छे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। आकाश जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता।